तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है नया टॉपिक आपका परसेंटेज। सबसे पहले इसके बेसिक समझेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसमें। आपको नाम से ही पता लग रहा है परसेंटेज यानी परसेंट, यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये किसको बोलते हैं प्रतिशत। इसके कुछ फंक्शंस हैं वो कैसे काम करोगे आप। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 1/2 जो फ्रैक्शन है ये कितने परसेंटेज के बराबर है, तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 50%। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 50% बराबर कितना होता है 50/100, दैट इज 1/2। ऐसे जितने ही फंक्शंस हैं सारे, अगर ये वाले फंक्शंस आपको अच्छे से याद हैं, आपके दिमाग में हैं, तो क्वेश्चन करने में बस सेकंड लगेंगे, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि 1/3 इक्वल टू 50%, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ 1/3 जो है वो कितने परसेंटेज के बराबर है, तो आपको पता है कि 1/3 और पूछ रहा है परसेंटेज मींस होता है 100, यानी अगर मैं इससे काटूंगा तो आप बोलोगे 33% के बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे कहीं पर 1/3 की वैल्यू आएगी तो उसको कितना बोलोगे आप, 33/3%। ऐसे हमारे कुछ 10-15 आपके फंक्शंस हैं वो आपको याद आने चाहिए, वैल्यू है इनकी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 1/4 तो आप बोलोगे 25%। अगर मैं बोलूँ 1/5 दैट इज इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू 16/3%, एंड 1/7 इक्वल टू 14/7%, 1/8 इक्वल टू 12/2%, 1/9 इज इक्वल टू 11/9%। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट की, अगर मैं बात करूँगा तो अगला है 10%। आपको पता है 10% 10/100, दैट इज 10/100, दैट इज 1/10। 1/11 इक्वल टू 9/11%। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूँ 33/3%, अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 1/3, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बता दिया है। अगर आपसे बोलूँ मैं 63/3%, ये कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा, आप बोलोगे 2/3। जैसे अगर आपसे बोलूँ 45%, तो ये कितने के बराबर होगा, अगर निकालना भी हो ना बच्चे तो 45/100, इसको 5 से 9 टाइम और 5 से ये 20 टाइम। अगर आपसे बोलूँ मैं 45% हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू 9/20। ये बेसिक्स फंक्शंस हैं जो आपके पूरे परसेंटेज में काम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे आता है बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 14/7% कितने के बराबर होता है, तो आप बताओगे 1/7 के बराबर होता है। अगर ये वैल्यू डायरेक्ट मुझे याद होती हैं तो क्वेश्चन करने में मुझे बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आगे फंक्शन की बात करूं, आगे फंक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे अगर कहीं पर लिख रहा है 25%, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1/4। ये जो होगी मेरी, ये रियल नंबर होगा, ये मेरा रियल नंबर होगा, इट मीन्स ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, दैट इज वास्तविक संख्या। और ये जो नंबर है मेरा, जैसे बोला 25% इंक्रीज यानी बड़ा हुआ, इट मीन्स इंक्रीज का साइन ये होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 4 मेरा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो ये मेरा क्या है, बड़ी हुई संख्या। अगर वो बोलेगा कि 25% मेरा घटा हुआ है, तो ये कौन संख्या हो जाएगी, घटी हुई संख्या। ओके, ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे। अगर कहीं पे मैं आपसे बोलूं कि 20% कोई चीज़ मोर है, अधिक है, तो 20% की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 1/5। और ये 5 जो है ये मेरा वास्तविक नंबर है, ये मेरा रियल नंबर है, और ये जो नंबर है इंक्रीजमेंट की बात करेगा तो ये मेरा बड़ा हुआ नंबर है, इंक्रीमेंट। अगर बोलेगा डिक्रीमेंट, तो ये कौन सा नंबर है, मेरा डिक्रीमेंट वाला नंबर है, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट आपके परसेंटेज में चलेगा। जैसे क्वेश्चन से हम देखते हैं, पहला टाइप है हमारा, पहला टाइप की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये परसेंटेज का टाइप वन है आपके सामने, टाइप वन टाइप टू, इसी तरीके हम आके हायरार्की लेवल में चलते जाएंगे, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे के लेवल बहुत अच्छे हैं, पूरा कंसेप्चुअल है पूरा, ठीक है। पूरा मैथ कंसेप्ट से पढ़ोगे बच्चे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो इसमें कोई ट्रिक काम करती है ना कोई फॉर्मूला, ठीक है। तो पूरा अगर कंसेप्ट एक बार माइंड में सेट हो गया ना, तो आप कोई भी एग्जाम हो आपका, तो आप उसको बहुत इजी वे में आप उसको क्रैक कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, बोला है कि इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले आप बच्चे
अर्थमेटिक का जो कंसेप्ट ही होता है ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, इसमें लैंग्वेज का सबसे बड़ा फर्क होता है। तो अगर मैं आप में से बोलूँ, मैंने डायरेक्टली वैसे आपको 80% और 50% की वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, तो जब इसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चे 80% ऑफ ए, हमारा 80% की वैल्यू कितनी होती है 8/10, मैंने 8/10 क्योंकि 0 से 0 मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी। 50% ऑफ बी 50/100 दैट इज 1/2 दैट इज इंटू बी। अगर यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू निकालूंगा तो बी मेरा सेम है और ये मेरा 5 यहाँ पे सेम है, बट ये जो नंबर है मेरा 8 ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी ए बराबर 5/8 बी। क्यों निकालना मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कह रहा है तो x का जो मान होगा, वैल्यू जो x की वो कितनी होगी, आपको दिया है v इक्वल टू x परसेंट ऑफ a, v इक्वल टू x परसेंट मीन्स 100 होता है ऑफ a, a की वैल्यू मुझे इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि x परसेंट ऑफ a, इट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको पता है a की वैल्यू 5/8 b है, ऐसे मैंने b से b यहाँ पे ख़त्म कर दिया, इट मीन्स 5x इक्वल टू 8 × 100 एक्स बराबर आ गया 160, दैट इज आंसर इज 3, आपका आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो परसेंटेज का सेकंड क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। आपको पता है इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, देन 120 ऑफ दैट नंबर विल बी, यानी किसी संख्या का 120% 120 है तो संख्या 120% कितना होगा। आपको दे रखा है 20% बराबर 120% के, मैंने आपको बताया था कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5, 1/5 बराबर 120 तो एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे 120 × 5 = 600, दैट इज 600। फाइंड आउट वो पूछ रहा है कि 120% कितना होगा, तो मुझे पता है 120% कितने के बराबर होता है, 120/100 दैट इज 6/5। अगर यहाँ से 120 और मेरे पास पता है एक यूनिट कितने के बराबर है, 600 के बराबर है, तो 120 × 600/100 अगर मैं 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास जो वैल्यू लास्ट जो वैल्यू आई वो कितनी आई इसको काटने के बाद 720, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन अगर किसी को पूछेंगे तो बड़ा दिक्कत सी, पता ही नहीं लगता कौन सी चीज़ को मुझे नीचे लिखना है कौन सी वाली ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या हुआ, आपको दे रखा है कि 5:4, तो हमें पता है वी कैन राइट इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो पहली वाली वैल्यू जो है हमने ऊपर लिख ली और दूसरा वाला नंबर मेरे पास 4 है और परसेंट मीन्स होता है 100। जब अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है कि 2:3 को मैं परसेंटेज में कैसे लिखूंगा, तो आप 2/3 यानी 2/3 और परसेंट मीन्स 100 होता है, तो जो भी इसका सोल्यूशन होगा उस तरीके से लिख सकते हो आप। तो 5/4 × 100 दैट इज कितने टाइम कट जाएगा, 25 और 25 = 12 यानी 125, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है और उसको बस उसके वैल्यू के हिसाब से उसको रखना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि p q से 6 गुना बड़ा है, इट मीन्स तो कह रहा है q p से कितना परसेंट छोटा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। आपको पता है यार p और q का जो रेशियो दे रखा है मुझे, अगर q एक है, कह रहा है p q से 6 गुना बड़ा है, यानी p जो है वो q से 6 गुना बड़ा है, अगर ये एक है तो इससे 6 × 1 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि q p से कितना छोटा है, आपके सामने पता लग रहा है q मेरे पास 1 है, p मेरे पास 6 है, मैंने देखा 6 से कितना छोटा है, 5 छोटा है, तो जो छोटा है जितना वो 5 किससे पूछ रहा है, p से पूछ रहा है, तो p मेरे पास कितना है 6, तो 5 यानी 5/6 × 100, इसको काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 83/3%, आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। देखिएगा सी सेट के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा माइंड में आप सारी चीज़ों को सोचोगे नहीं, बहुत सी सेट को बस क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दोगे दीजिएगा। यदि ए का 20% बी है तो ए का कितना परसेंट बी है,
आपको पता है यार 20% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन ये रहा। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि 20% की जो वो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। मैंने भाई 1/5 लिख लिया। 50% इक्वल टू कितना होता है, 1/2, तो मैंने इसको 1/2 लिख लिया, सिंपल। और मैं लिखने का तरीका बता ही दिया आपको, जैसे 20% है तो 20 मीन्स 20/100, 0 से 0 काटूंगा, 2 से 5 टाइम कट जाएगा, तो ये 1/5 आ गया। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा है 1/5 डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम करेंगे तो क्वेश्चन को टाइम बहुत सेव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा यार 20% 1/5, सेम वे में अगर मैं आपसे बात करूं 50% की वैल्यू कितनी होगी, आपको होता है 50% की वैल्यू 1/2 बताया था सर ने। ये फंक्शन स्टार्ट के मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि इन सब चीज़ें हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन को हम बहुत छोटे समय में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाते हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप हम देखें अच्छे से, तो ए का 20%, ए का 20%, 20% इक्वल टू 1/5, ए 1/5 इक्वल टू बी का 50%, बी का 50% की वैल्यू 1/2, दैट इज 1/2, दोनों इक्वल हैं। तो मैंने क्या किया, ए को मैंने सेम रखा, बच्चे अगर मैं ए को यहाँ पे सेम रखूँगा, बी को इसके नीचे लेके आऊँगा। आपको पता है कि हमने अल्फ़ाबेट को एक साइड ले जाएंगे और डिजिट को एक साइड ले जाएंगे, तो ए अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चे, यहाँ पे 5 चला जाएगा और 2 नीचे है ही, 5/2। ए और बी का रेशियो मैंने इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया रेशियो, तो रेशियो अगर मैं निकालूँ यहाँ से ए अपॉन बी का, आप बताओगे 5:2। अगर मेरे पास रेशियो है 5:2, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए का कितना परसेंट बी है, ये जो ए का कितना परसेंट बी है, तो मैंने देखा किसका, बी का पूछ रहा है, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, 2 किसका, ए का अपॉन 5 × 100, इसको काटूंगा मैं, 40% आपका आंसर आ जाएगा, ओके।